तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर CTU यानी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसी आई थी। और उस वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो है ड्राइवर की जो वैकेंसी थी उसका लिखित परीक्षा हो चुकी है और अब उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट के लिए जो अब ट्रेक वगैरह की तैयारी कर रही है CTU, तो उसके लिए एक टेंडर नोटिस सामने आया है। यानी आज आपको यह अनुमान लग जाएगा कि हमारा टेस्ट कैसे होगा, कहां पर होगा और कब होगा। तीनों चीजों के बारे में सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके लिए हमें ड्राइविंग ट्रेक चाहिए और वो 1558 कैंडिडेट के लिए चाहिए और वो चंडीगढ़ के 300 किलोमीटर के एरियाज में होना चाहिए। आगे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा इस टेंडर नोटिस का जो यहां पर टाइम है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं 7 दिसंबर 2023, यानी कि 7/12/23 तक तो ये टेंडर प्रक्रिया चल रही है। मतलब 7 दिसंबर से पहले हमारी एग्जाम डेट नहीं आएगी, है ना। तो यहां पर इस टाइप से जो है चीजें बताई गई है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, स्कोप ऑफ वर्क। यहां पर इन्होंने ये कहा, यहां पर लिखा हुआ है शुड हैव ए फुली ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रेक फॉर कंडक्टिंग द ड्राइविंग स्किल टेस्ट, सेल कलेक्ट ड्राइविंग स्किल इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, यानी कि सेम टाइम जब टेस्ट चल रहा होगा तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेल इवेल्युएट ड्राइविंग स्किल पैरामीटर्स विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, यानी कि यहां पर कोई है ना मानव या मनुष्य या इंस्ट्रक्टर यहां पर कोई मार्किंग नहीं करेगा और कोई मैनुअल तरीके से कुछ भी नहीं करेगा, सारी चीजें होगी वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए और एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी पर्सन का इंटरफेयर नहीं होगा। वो जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो ट्रेक होगा उसका रिजल्ट अपने आप तैयार होगा, मतलब आपको मैनुअल कुछ नहीं करवाना, ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये ना हो कि कोई इंस्ट्रक्टर है वो खुद मार्किंग कर रहा है, भाई भतीजावाद कर रहा है, वहां पर सब कुछ अपने आप होना चाहिए। शुड हैव फॉलोइंग ट्रेक फॉर्मेशन इन सिक्वेंस, यानी कि एक तो एट होना चाहिए, एक डग या रैंप होना चाहिए जो रिवर्स ड्राइविंग टेस्ट होगा, इस पर आपको रिवर्स में चढ़ानी है गाड़ी। एक आपका रोड टेस्ट होगा। दोस्तों मैं बता दूं यहां पर ऑटोमेटेड टेस्ट की बात आते मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा ये इस प्रकार की चीजें किसी भी ड्राइविंग सेंटर पे आपको नहीं मिलेगी, ये मिलेगी जो यहां पर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जैसे अशोका लीलैंड का केथल में है ना, तो वहां पर आपको मिल सकता है, बिल्कुल आप वहां पे जो है कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें वहां पे मिल जाती है। तो यहां पर जो ये जो ड्राइविंग जो टेस्ट होते हैं ना यहां पर नहीं होती, है ना। तो जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होगा वहां पर ये चीजें मिल जाएगी, ऑटोमेटेड जो ऑटोमेटेड जो ड्राइविंग टेस्ट वाला जो ट्रेक होता है उनके पास हो सकता है, जैसे RTO की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बनते हैं ना वहां पर आपको मिल सकते हैं। बाकी यहां पर जो मैनुअल तरीके से जो कच्चे ग्राउंड में पक्के ग्राउंड में एट एच टी ये बना के जो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करवाते हैं वहां पर इस टाइप की चीजें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रेक के ऊपर आपका ड्राइविंग टेस्ट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑटोमेटेड हो चाहिए कोई सा भी हो, अगर आपको गाड़ी चलाना आ रही है तो आपको वहां पर सबसे पहले गाइड किया जाएगा कि क्या और कैसे करना है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा अशोका लीलैंड वाले में आप करके आ जाना एक बार, आप सारी चीजें वहां पे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनके पास में छोटी गाड़ी का है, बड़ी गाड़ी का तो उनके पास भी नहीं है, उनके पास नहीं है मतलब किसी के पास नहीं है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से CTU ने कहा है हेवी गाड़ी के पास अशोका लीलैंड वालों के पास में भी नहीं है, मारुति वालों के पास में भी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आएगी या इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि भी अगर ऐसी चीजें नहीं मिलती फिर हो सकता है बदलाव भी हो जाए, है ना। तो बाकी देखते हैं समय के साथ में पता चल जाएगा, लेकिन करंट में जो इंफॉर्मेशन है टेंडर नोटिस जो निकला है वो इस हिसाब से निकला है और इसमें आपका एट है, डग या रैंप होगा और रोड टेस्ट होगा, तीन चीजें आपकी होगी और तीनों ही हेवी गाड़ी पे होगी, HMV गाड़ी पे। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए अच्छी अपडेट है कि आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो होगा वो जल्द ही कंडक्ट होने जा रहा है और ये खुशी की बात है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी होती है जल्दी अगर पूरी हो जाती है तो अच्छी बात होती है, और जितनी लंबी चलती है वहां पर दिक्कतें यहां पर बच्चों के लिए भी आती है ना। तो मैं समझ सकता हूं आपकी जो चीजें हैं, और बाकी कोई भी अगर इसको लेकर अपडेट नहीं आएगी तो मैं आपके साथ में साझा कर दूंगा, ठीक है ना। और ये जो PDF है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, दोनों का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं, आप हमारा जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर से सभी का स्टडी एट होम इस ड्राइवर प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है, सभी का मोस्ट वेलकम, सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो much।